हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। पथर्रा गांव पहुंचा है 5 लोगों का शव, 2 जुड़वा बच्चों का शव भी यहां पर पहुंचा है। बेहद ही दुखद खबर है। गांव में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतकों के अंतिम संस्कार की तैयारी यहां पर की जा रही है। बेहद ही दुखद की घड़ी है परिजनों के लिए, साथ साथ पूरे गाँव वालों के लिए भी, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और शवों को अब पहुँचाने का सिलसिला जारी हो गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा, बेमित्रा सिमगा के पास कठिया गांव में हुई सड़क दुर्घटना में पथर्रा गांव के 9 लोगों के निधन और 20 लोगों के घायल होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। घायलों के बेहतर इलाज के आवश्यक निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। मृतकों के परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। तो भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और सीएम विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो बेमित्रा के पथर्रा गांव के 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई और हादसे की खबर सुनते ही गांव में मातम पसर गया। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता मोहन पटेल ने। ग्राम पथर्रा पे हैं जहाँ पे ये हादसा हुई है। इस गांव के लोग हैं, बताया जा रहा है कि ये बढ़ई का परिवार है जहाँ से छठी के कार्यक्रम में तिरैया गया हुआ था। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है हादसा और कैसे हुआ, किस घर से हैं, इनसे बात करते हैं। भैया ये कैसे हादसा हुई से और कहाँ की हादसा? हादसा अब कैसे हुई तलक नहीं जानन सर, हमन तो प्रत्यक्ष दर्शी नो हन। हमन लगभग सुबह 6 बजे सो के उठे तो हमन ला जानकारी हुई कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई कठिया तिरैया के पास, इसे करके ओकर बाद हम लोग सभी जन यहाँ गुड़ी चौरा बोलते हैं अपने गांव के जो बैठने का स्थान है वहीं पर आ करके एकत्रित होकर एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे सर। इसी बीच में पता चला है कि 9 लोगों का हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ और ख़त्म हो गए हैं। 9 लोग जो थे वो एक ही परिवार के थे? नहीं सर, अलग अलग परिवार के लोग थे। एक निषाद हैं और लगभग 4-5 लोग जो हैं महिलाएं वो सब साहू समाज के हैं और एक यादव समाज, एक देवांगन समाज के गई थी, वो लोग 2 महिलाएं सुरक्षित हैं। कैसे क्या था हादसे में, ऐसा कुछ कारण पता चला? अब हम लोगों को कोई पता नहीं चला सर, क्योंकि हम लोग गए नहीं थे, अब यही थे गांव में बैठे थे तो सुबह ही पता चला जो जानकारी हुआ है। बाकी लोग प्रत्यक्षदर्शी लोग वो सरपंच और पंच लोग गए थे सर। ये थे ग्रामीण जिन्होंने बता रहे हैं कि सवेरे इन लोग को पता चला है और यहाँ गांव के जो सरपंच है वो वहाँ पे गए हुए हैं, तो जिनसे जानकारी मिल सकती है। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमित्रा। और एक बार फिर से रुक करते हैं बेमित्रा का, संवाददाता मोहन पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, इस वक्त आप पथर्रा गांव में ही मौजूद हैं और वहां पर अब शवों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे दुखद कि मृतकों में 2 जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। अभी इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, तस्वीरें दिखाइए। जी बताना चाहूंगा कि हम अभी ग्राम पथर्रा पे हैं जहां पर शव का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग 500 आ चुके हैं यहां पे और 2 जुड़वा बच्चे हैं। उनके परिवार में 3 ही लोग थे, उसकी नानी के परिवार में वो यहाँ पे रहती थी और सभी उस छठी के कार्यक्रम में गए थे। साहू परिवार के छठी के कार्यक्रम में गए हुए थे। लगभग 30 लोग पिकअप माजदा पे गए हुए थे। देर रात जब वापस छठी के कार्यक्रम से आ रहे थे तो कहीं ना कहीं लाइट की जो रोशनी पड़ी ड्राइवर को और वो सामने खड़ी गाड़ी जो माजदा वाहन है वो दिख नहीं पाया और सीधे जाके उसके पीछे से ठोकर इतना जम के मारा कि वहां मौके पर 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो अभी हम जो गांव पे हैं यहां हम बात करेंगे, लोग यहां बैठे हैं, क्या है माहौल, यहां पूरा गम में डूबा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं एक पल के लिए कि जब शव आए और उनके दर्शन करें और कार्यक्रम में शामिल हो। भैया कैसे भी इसे का हुई थे हाथ तक के रिटर्न हो तभी कोई वाहन खड़े रही रोड रो में तब वो जाते बराबर खबर तो हमें नहीं मिली अभी तक, इतना ज्यादा नहीं बता दें। हमारे साथ और कई लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरा गांव सन्नाटा हुआ है तो लोग उससे जानेंगे क्या है, कैसे माहौल यहाँ पे बना हुआ है गांव में। भैया कैसे का है अभी स्थिति गांव में? बहुत ही जाना तो ये
कुछ लोग बाहर से भी हैं जो पूरी बात नहीं जान पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे मंदिर के पास है और गांव में पूरा पसरा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, शव का सिलसिला जारी है और शव की जो कार्यक्रम करने की जो है रूपरेखा बनी हुई है उसके लिए गाँव के ग्रामीण जो लोग हैं वो पूरे तैयारी में जुटे हुए हैं। ठीक है मोहन, हमने कल देखा था कि जब ये हादसा हुआ तो स्थानीय विधायक वहां पर दीपेश साहू पहुंचे, एसडीएम पहुंचे थे, कलेक्टर पहुंचे हुए थे और आज यहां पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे, किन किन के पहुंचने की जानकारी है? अभी तक तो जनप्रतिनिधि जैसा कि बताया जा रहा है कि हम देखे भी है फुटेज में, जनप्रतिनिधि रात में जिला हॉस्पिटल मौके पर ये सब गए हुए थे, कलेक्टर भी गए हुए थे, एसपी भी गए हुए थे और मौके का जायजा लिया, लेकिन अभी तक ऐसे कोई घोषणा भी नहीं हुआ है। और जनप्रतिनिधि की बात करें तो अभी सौ का सिलसिला यहाँ पे जारी है, लगभग अभी 500 यहाँ आ चुके हैं, 400 आने बाकी है। हो सकता है स्थानीय जो विधायक है वो सौ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है मोहन, आप नजर बना के रखिएगा और IBC 24 भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।